सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। और अभी बज रही है रात के 2 और इस हालत में हम क्यों खड़े हैं आपको बता देते कि हमारी किस्मत इतनी बुरी है कि पहले तो सुबह 7 बजे लाइट बंद थी, शाम को आई 5:30 बजे, फिर अभी रात को बंद हुई। कितने बजे बंद हुई रात की? 12 बजे। नहीं, पहला गई थी। लाइट तो पहले 8 बजे ही चली गई थी, उसके बाद इन्वर्टर बंद हुआ 1 बजे। 3 घंटे इन्वर्टर चला और 1 बजे लाइट, एक भी नहीं पूरा बजे मेरे कहना पौना के चला। हाँ, 5 घंटे इन्वर्टर चला, उसके बाद 1 बजे जो है इन्वर्टर भी खत्म हो गया। फिर हम लोग आए ऊपर सोने के लिए छत पे और किस्मत इतनी खराब कि बारिश हो गई। और अभी बारिश रुक गई है लेकिन बादल अभी भी हैं, तो कोई रिस्क नहीं ले सकते दोबारा ऊपर जाने का, बिकॉज यार हमने मंजे मुंजे गद्दे वगैरह सब नीचे उतार दिए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और पूरी रात जो है लाइट नहीं आई, हम सभी लोग जो है 10 मिनट भी चैन की नींद नहीं सोए होंगे। और मैं जस्ट नहाया हूँ, थोड़ी सी सूरत संभाली है मैंने, यहाँ पे जो है रेडी हो रही है। आप जगह देख रहे हो कौन सी जगह पे रेडी हो रही है, बिकॉज लाइटनिंग की प्रॉब्लम है ना अंदर, क्योंकि यार इन्वर्टर भी खाली है, लाइट भी नहीं आई थी, बाहर बैठ के ये मेकअप कर रही है। 6:30 हो गए हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सुबह 4 बजे निकल पड़े थे, उनको 6 घंटे लगेंगे चंडीगढ़ तक, तो वो मेरे को चंडीगढ़ पहुंचने से 2 घंटे पहले कॉल कर देंगे, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे बाय वोल्वो और वहाँ पे हम मिल जाएंगे और एक गाड़ी में फिर मनाली। भूमि बाय, जा रहे हैं बाय। बाय पार्शु। वीडियो ना बना महारानी दी, ठीक है? आया नहीं, टेंशन वाला 10-15 मिनट जो असी ने अच्छी सी, तेरा कहना मतलब ये आ। चल ठीक है, कैब आ रही है। चलो ठीक है। जस्ट हम लोग जो है चंडीगढ़ पहुंचे एंड इतने ज्यादा थक गए हैं कि आई बताएं, अभी 2 घंटे के सफर में लेकिन अभी 8-9 घंटे का सफर और बाकी है। मिलिए हमारी फ्रेंड से महक बजाज, ओ बड़े बंदे हैं ये लोग, बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। बहुत शर्म आ रही है। क्यों क्यों क्यों? भैया का नाम विशांत है कि विहान है? मैं दोनों में कंफ्यूज रहता हूँ। हमारे साथ ना यार पोपट ही हुआ है, मतलब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी वाला काम हो गया है। इतना जाम है, पिछले 1 घंटे से जाम में फंसे हूँ। ये तो बिल्कुल ही रुक गया, पहले धीरे धीरे चल रही थी लेकिन अब तो बिल्कुल ही रुक गया। और ये जाम आगे काफी तक है यार, ये लोग तो बिल्कुल बोर हो गए हैं। ये भाई सब सो गए हैं। कैसे सो रहे हैं देखना, अच्छे गर्दन करके सो जाओ ना। अरे इधर आ जाओ। हाँ गुड। ट्रैफिक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, ऊपर से बारिश हो गई है। एक बात तो है, चलो मौसम तो अच्छा हो गया लेकिन जब ये चिक्कड़ चिक्कड़ हो जाता है ना, है थोड़ा फिर गंदा गंदा फील होने लग जाता है। मतलब घरों को देख रहे हैं, ये बोर हो गए हैं, ये इतने ज्यादा बोर हो गए हैं। आप भी बोर हो गए? मैंने बोर हो गया। ये लीजिए व्यू, देखिए व्यू है ही नहीं कुछ अभी। अच्छा कुल्लू 150 किलोमीटर है अभी। कुल्लू के 15-20 किलोमीटर जो है कुल्लू से मनाली। कुल्लू से 15 कितना? 15-20 किलोमीटर। इतना ही है। गाइस 15 मिनट से फिर से जाम में फंसे हुए हैं ये देखो, और ये इतना खतरनाक जाम है लगा हुआ कि सारी गाड़ियां बंद पड़ी हैं, पता नहीं कहां तक जाम है। और पीछे लोग बाहर आ गए, ये देखो गाइस बाहर आके आराम से अपना फोटो शूट कर रहा है कोई, कोई फोन पे बात, स्नैक लाइट एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो इनको खाने की पड़ी हुई है। अगर आप लोग मनाली आ रहे हो तो यार ये चीज देख लो कि रश बहुत ज्यादा है, तो आप आई होप कि सुबह जल्दी निकलो। मेरे ख्याल से तो सुबह 3 बजे निकल जाओ, अगर आप पंजाब से हो तो 3-4 बजे निकल। ये आए गुड़गांव से, कितने बजे निकले थे सुबह? 4 बजे। ना 4 बजे निकल के भी हम रात को 8 बजे पहुंचेंगे, देख लो 8 को भी। 8 को भी मेरे को मुश्किल ही लग रहा है जिस हिसाब से ये खड़े हैं। ये आगे तक भैया ने तो बोला ही था जब शॉर्टकट रास्ता, आप लोगों ने ही नहीं सुना भाई। हां सही है। अरे एक्चुअली नहीं, एक्चुअली पता क्या हुआ, वो 100% श्योर नहीं था ना कि वो रास्ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वही हो जाएगा फोन
बाकी यार सुबह जल्दी से निकल शाम तक आराम से पहुंच जाओ और अपना होटल वगैरह लेके रेस्ट रुस्ट कर लो, क्योंकि अभी देखो हमें रात हो जाएगी, किस वक्त हम होटल लेंगे, है ना। क्योंकि यार देखो ये बात सच है कि आप जितनी ज्यादा लेट पहुंचोगे होटल वाले उस हिसाब से आपको दाम लगाएंगे। पूरे 41 मिनट हो चुके हैं और हम अभी तक यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ पे मेकअप सूज रहा है, लिपस्टिकें लगाई जा रही हैं, बिकॉज इनकी फोटो अच्छी नहीं आई इस वजह से। तुसी भी तुसी की कर रहे हो, तुसी शूज पा रहे हो, क्या हो रहा है ये? अब ये बाहर जाके ना रील्स वगैरह बनाएगी, फोटोज क्लिक कर पाएगी, है ना। कंगा नहीं है, कंगा कंगा बाल भी सेट कर लो, पानी लेके आओ, पानी मुंह भी धो लो, कहेगी सारा मेकअप उतर जाएगा। नहीं दोबारा करेगी ना फिर सारा, ऐसे बैठो आराम से फोटो क्लिक कर लो भाई, है ना। चाय चूय लाओ, मैगी मूगी लाओ। अच्छा सूत्रों से पता लगा है कि आगे बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है जिस वजह से रास्ता बंद था, तो इसको निकलने में 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे ट्रैफिक क्लियर होने में, इसलिए गाड़ी बैक करके दूसरे पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं। पीछे गाड़ियां भी देखो सभी ने बैक कर लिया है और ये जाम देखो भाई, अब ये 2-2.5 घंटे से पहले जो है जाम निकलने वाला नहीं है। ए मेनू ऐसा देख दे जिमें मैं पता नहीं की बना पे। जाम देखो गाइस, जाम कितना जाम है, आगे तक तो बहुत बहुत जाम था, आगे बहुत ज्यादा गाइस, ये देखो गाइस, बाप रे बाप। तो हम बैक गए और हमने लिया नेक्स्ट रूट, और ये रूट भी बहुत अच्छा था, मतलब लोकेशन इतनी प्यारी थी, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे जाते जाते। बट यहाँ पे भी हमारा पोपट हो गया, क्यों हो गया वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि थोड़ा आगे जाके यहाँ पे भी इतना ज़बरदस्त जाम लगा ना, यहाँ पे भी हम 2 से 3 घंटे तक खड़े ही रहे। तो ना दिन इतना खराब है क्या ही बताएं यार, मतलब और दूसरा रास्ता डाला था 2 घंटे का, अभी हम रास्ता तय कर चुके थे, फिर से जो है जाम लग चुका है, गाड़ी बंद करके खड़ाई हुई है यहाँ पे, क्योंकि इतनी सी भी आगे नहीं जा रही, और यहाँ पे सब लोग थके हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि इससे अच्छा हम लोग गोवा चले जाते। ये सारे के ये ड्रामे 18-19 घंटे, इससे अच्छा ना हम कहीं और की यात्रा कर लेते, खेलना स्कूटी पे हांड रहे होते। ये रहा जतिन गाइस, वो अभी अंडे खाने में बिजी है, अंडे मिला है भाई और कुछ खाने में। जाम था अभी, फाइनली जो है वो जाम जो है खुल चुका है, पर हमें और इतनी खुशी हुई। अरे प्याज तो रखो यार, बिना प्याज के नहीं, इसे प्याज भी चाहिए, ये रहे प्याज। रात के 11 बज गए और अभी हम कुल्लू भी नहीं पहुंचे, इतने ज्यादा बुरे हाल है, और इतनी भूख लगी हुई थी ना क्या बताएं, और कोई रेस्टोरेंट वगैरह ढाबा भी नहीं। मामू ढाबा खुला है, मामे ढाबे खाना है, की बिल नहीं लेंगे ये, बिल नहीं लेंगे हमसे, बिल नहीं लेंगे ये, मामू ढाबा लेगा डबल। खाना खा के जस्ट निकले हैं, अभी बज गए 12:30, बहुत लेट हो गया है। 10:57 पे हम एंटर करे थे और 5 या 7 मिनट में हमने ऑर्डर दे दिया था, लेकिन ऑर्डर आया पूरे 1 घंटे बाद और 10 मिनट में हमने खाना खा लिया, मतलब इतनी सर्विस बेकार। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं कि सर्विस बहुत ही बेकार है यार, कि खाना 1-1 घंटा आता ही नहीं है। बहुत सारे और कस्टमर्स थे, वो बैठे इंतजार कर रहे थे, आते तो छोड़ के चले गए, हम इसलिए नहीं छोड़ के क्योंकि बिकॉज यार सुबह से कुछ नहीं खाया था हमने, बुरे हाल है यार। देखो ओ कितना छोटू, तो गाइस रात के 2:05 हो गए हैं और अभी पहुंचे हैं जस्ट हम, एंड इतने ज्यादा थक गए हैं और मैं तो सोया ही नहीं हूँ ना, कल रात सोया और अभी भी देख लो 2 यार। मतलब ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, मिलते जल्दी।